Hi, welcome you all to my YouTube channel Paint and Brush by Priyanka Watts. इस वीडियो में सिंस दिवाली बहुत ही पास आ रहा है तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको माँ लक्ष्मी की पेंटिंग जो घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और हम लोग दिवाली पे सभी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो मैं आपको क्यों ना माँ लक्ष्मी की फ़ोटो बनाना सिखाऊँ, पेंटिंग बनाना सिखाऊँ मधुबनी स्टाइल में। सो इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी कि आप अपने घर में अपने लिए एक आर्ट पीस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की पेंटिंग मधुबनी पैटर्न में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोगों को अपने पेपर पे जिस फ्रेम में भी जिस साइज़ के पेपर में आपको ये पेंटिंग बनानी है इसमें पहले हमें बॉर्डर के लिए जो कि स्पेशलिटी है हमें पता है मधुबनी पेंटिंग की, बॉर्डर के लिए मैंने ऐसे पैरेलल लाइंस खींच लिए हैं। ये पैरेलल लाइंस आप बना लीजिए, आप स्केल की मदद से यू कैन ड्रॉ दीज लाइंस फॉर बॉर्डर्स। अभी बॉर्डर में यू कैन चेक आउट माय वीडियोस जिसमें मैंने बहुत सारे पैटर्न बताए हैं, इजी पैटर्न टू मेक बॉर्डर्स। तो अभी मैं आपको इस पेंटिंग के लिए बहुत ही इजी बॉर्डर बताती हूँ कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो मैं डायरेक्ट पिगमेंट पेन यूज़ कर रही हूँ बनाने के लिए। यू कैन ऑलवेज यूज़ पेंसिल एंड इरेजर सिंस मधुबनी पेंटिंग में हमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं चाहिए। द इरेग्युलैरिटीज, द रॉनेस, द इनपरफेक्शन इज द की। सो आप वरी मत होइए कि इक्विडिस्टेंट हो रहा है या नहीं, बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है या नहीं, डोंट वरी। जब आपका आर्टवर्क कंप्लीट होगा दिस विल कम आउट वेरी ऑथेंटिक एंड ब्यूटीफुल, सो डोंट वरी। सो इस तरह से आपको चारों साइड कर लेना है। सो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है ये बॉर्डर। अभी इसको बॉर्डर को और इंट्रिकेसीज इसमें और अंदर वर्क नहीं करते हैं, अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, वो आप बाद में कर सकते हो। अभी मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि यस, लक्ष्मी माँ की पेंटिंग आपने देखी होगी कई जगह उनका जो पोस्चर्स होता है वो डिफरेंट दिखता है हमें। कई जगह वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती हैं, कई जगह एक पैर नीचे होता है उनका लोटस के। इस तरह से हम लोगों को डिफरेंट फोटोज़ में लक्ष्मी माँ का पोस्चर्स दिखता है। तो मुझे मैंने जो थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ये समझ आया कि जो हमें घर में अपने पेंटिंग रखनी चाहिए लक्ष्मी माँ की वो हमेशा सिटिंग पोस्चर में होनी चाहिए जिससे कि लक्ष्मी स्थिर हो, ताकि क्योंकि हम सब जानते हैं लक्ष्मी चंचल होती हैं। सो सिटिंग पोस्चर लक्ष्मी माँ का रखना अपने घर में सबसे बेस्ट होता है। सो हम लोग वही ड्रॉ करने वाले हैं। आपको अपना थोड़ा सा थॉट्स, यू नो, आपके पेंटिंग में आपको क्या चाहिए, क्योंकि जैसे किस किस चीज़ों को आप एसोसिएट कर सकते हैं लक्ष्मी माँ से, जैसे लोटस, पानी में लोटस होना, उसमें लक्ष्मी माँ का बैठना। फिर हम लोग देखते हैं एलिफेंट्स, बहुत जगह हम लोगों को दिखते हैं कि दो साइड से दो एलिफेंट हैं। फिर हम लोगों को दिखता है कि उनके हाथ में जो मटकी होता है गोल्ड का, धन का जो ये होता है, तो वो कई फोटोज़ में हमें क्लोज दिखता है लेकिन वो ओपन और गोल्ड दिखता हुआ गिरते हुए उससे मुद्राएं, वो वाली पेंटिंग ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आप आपको एक थॉट रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि आप एग्जैक्टली क्या बनाना चाहते हैं। तो आप
जिसे मैं बनाने वाली हूँ, मुझे पता है कि मैं सिटिंग पोस्चर में जो पालथी लगा के लक्ष्मी माँ बैठी हुई हैं अपने लोटस पे, कमल पे विराजित हैं, वैसा पेंटिंग बना रही हूँ। और मैं दोनों साइड से, क्योंकि हाथी बहुत शुभ भी है और लक्ष्मी माँ से, लक्ष्मी माँ के पेंटिंग में हम लोगों को दिखता है क्योंकि बहुत ही शुभ है, स्ट्रेंथ देता है, पार देता है और शुभ है, तो हम लोग तो मतलब एलिफेंट बनाएंगे। और आप चाहो तो चीज़ें, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे वाहन उनका उल्लू है, तो आप चाहो तो एक उल्लू ऐड कर सकते हो अपने पेंटिंग में। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको खुद सोचनी पड़ेंगी कि आप कितनी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। अभी सबसे पहले तो हम लोग लक्ष्मी माँ की पेंटिंग बनाएंगे। मेन जो एलिमेंट है हमारा, ये आप सेंटर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जैसे हमें इतना स्पेस में, इस स्पेस में लक्ष्मी माँ बैठे हुए बनानी है ताकि थोड़ा सा एलिफेंट बना सके हम लोग साइड से। एक यू शेप में बनाना है हमें, और आप गहने आप आगे ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो इस पे मैं अभी ज़्यादा समय नहीं दूंगी। ये हम लोग बस अंदाजन के लिए बना रहे हैं। डायरेक्टली वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट विद द पेन, सो इसके लिए भी वरीड नहीं होना है। ये हेयर की डबल लाइनिंग हम लोग करेंगे, और उसके बाद मुकुट, मुकुट आप जैसा चाहो डिजाइन दे सकते हैं। अब नेक हमें बहुत परफेक्शन से नहीं बनाना है, हम सबको पता है कि हम मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये कलश बना दिया है मैंने, जिससे हम लोग है ना गिरती हुई मुद्राएं बनाएंगे। आई होप कि ये आपको दिख रहा है, दूसरे हाथ में भी माँ के कमल है। देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग को सेम हाइट पे बनाना है। अभी मैं इतने पे रहने दे रही हूँ। अभी
और यहाँ से हम लोग लोटस बनाएंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया है ड्राफ्ट, और अब मैं इसको यहाँ एलिफेंट भी हम लोग बना लेते हैं। इसके सिमिलर हम लोगों ने यहाँ बनाना है। ये हो गया है हमारा। अभी मैं पेन रेडी रखती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं।
ये बना लिया हमने अभी। जैसे कि पांचों फिंगर ऑलमोस्ट सेम होता है, वैसे ही हमने बनाया। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। सो बॉडी पार्ट हो गया है। पांच पेटल्स उधर बनाए मैंने, तो बराबरी से
लोअर पेटल्स थोड़े से छोटे बना सकते हैं हम लोग। तो ये हमने बना लिया स्केच माँ लक्ष्मी का। इनके यहाँ पे कमरबंद भी बना सकते हैं हम लोग। अभी इस एलिफेंट को भी हमने ये बनाया है। और यहाँ हमने क्या करना है, ये सारा वाटर बनाना है। तो हमने ये बना लिया है स्केच। इससे आप इरेज कीजिए पेंसिल को, पेंसिल मार्क्स को। आप जितनी चाहें उतनी डिज़ाइन करिए इसके अंदर। आप साड़ी में फ्लावर बनाइए। इसमें आप मुद्राएं बनाइए और मुद्राएं गिरती हुई पे बनाइए। हम लोग एलिफेंट को आप सजाइए।
इस तरह से हमने बना लिया है। आप इसमें जितने चाहें उतना काम कर सकते हैं, कलर कीजिए इसे, जितना खूबसूरत बना सकते हैं इसे बनाइए। ये हमने यहाँ भी लोटस बना देती हूँ मैं। यहाँ भी रैंडमली हम लोग मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में बना रही हूँ, आप थोड़ा समय दीजिए और अच्छे से बनाइए। हमने ऐसे वेव्स पैटर्न में वाटर भी फिनिश कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे आपको आउल बना के बताती हूँ आप कैसे बना सकते हैं आउल। तो सर्कल आइज के लिए बनाने हैं हमने। और यहाँ बीक बनाना है हमें बीच में। बीक बनाया मैंने। कर लिया। ठीक बनाया, ये हमारा आउल बन गया। अभी आउल के हिसाब से हमने ब्रांच बनाएंगे एक।
हमने यहाँ पे बना दिया आउल, यहाँ पे भी मैं एक आउल बना दूंगी सिमिलर। ये आपको कलर करना है, बहुत वाइब्रेंट और बहुत सारे कलर्स यूज़ कीजिए, बहुत भरा भरा सा लगेगा। हमारा पेंटिंग रेडी है। ये लक्ष्मी माँ की पेंटिंग मधुबनी पैटर्न में, दिस इज़ रेडी। मुझे बिल्कुल बिल्कुल कला करने के लिए, पेंट करने के लिए सही लग रही है, रेडी है। और आप इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, यूज़ ऑल द वाइब्रेंट कलर्स, कचनी वर्क कीजिए इसमें, भरनी वर्क कीजिए, और ये बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सा दिवाली के लिए एक आर्ट पीस रेडी हो जाएगा आपके घर के लिए। हाँ, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, और कोई भी आपकी अगर सजेशन हो या आपका रिक्वेस्ट हो किसी टॉपिक पे कि मैं पेंटिंग करके दिखाऊं या इजी तरीके से बना के बताऊं, तो ज़रूर कमेंट में आप अपनी क्वेरी डालिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।